नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के अंतर्गत उतरावा थाना क्षेत्र के गौहरपुर गांव का मामला, जहां पानी निकालने के विवाद को लेकर दो पक्षों में बुरी तरह से मारपीट हुई, जिसमें उक्त गांव के रहने वाले जावेद उर्फ लल्लन व अरशद समेत दर्जनों लोगों ने खलील अहमद उम्र 65 वर्ष व जमील अहमद उम्र 68 समेत आधा दर्जन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं खलील का हाथ टूट गया। जानकारी के अनुसार उतरावा पुलिस ने दोनों पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और मेडिकल के समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद भेज दिया गया, जहां चोट गंभीर होने की वजह से खलील अहमद को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पीड़ित के अनुसार उक्त दबंग व्यक्ति नेशनल ढाबा गौहरपुर हाईवे का संचालक, जहां उतरावा थाने की पुलिस आकर बैठती है और उसके दबाव में पीड़ित व घायलों को ही कर रही है परेशान। वहीं पीड़ित पक्ष के दो व्यक्तियों का किया गया 151 में चालान, जबकि दबंगों की पुलिस कर रही है तरफदारी और पीड़ित के घर ही दे रही है बार बार दबिश। क्या यही न्याय है उतरावा थाने का? प्रयागराज जिले से हरीश शंकर कुशवाहा की लड़ाई हुई भाई पानी निकालने के वास्ते। वो लोग जबरदस्ती करके अभी खड़ंजा जा रहा था, हम लोग बोले पुलिया डाल लो, पर वो लोग नहीं डाले। और ऊपर से हम लोगों के ऊपर मतलब धम दिए थे कि राइफल से गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज वही पानी निकालने के लिए हमारा घर फोड़ करके वो लोग पानी निकाल रहे हैं। कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है जो लोग मारे? मेन तो लल्लन है, लल्लन और उसके साथ में खुर्शीद हैं, अलीम हैं, निशान हैं, अकबर हैं और ये अच्छे हैं। तो आप लोगों ने तहरीर दिया इन लोगों के खिलाफ? हाँ सर जी, दिया हूँ थाने पे तहरीर। पर तो मुकदमा लिखा गया अभी नहीं सर जी, देखिए अगर 1.5 घंटे में लिखा जा सकता है अभी। अच्छा, तो जो लोग घायल हैं उनका मेडिकल हुआ कि नहीं? हाँ सर जी, अभी तो मेडिकल में आए हैं, देखिए अगर हो जाएगा। किस गाँव का मामला है, गाँव कौन सा? गौहरपुर सर जी। थाना कौन सा पड़ता है? उतराव। जिला? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आपका नाम? मारूफ अली।